मैंगो का सीजन है और मैंगो से कुछ भी बन जाए तो सबको पसंद आता है। तो आज हम बनाएंगे सुपर डिलीशियस मैंगो मिनी केक, जिसे बनाना इतना सिंपल है कि जिन्हें बेकिंग नहीं आती है वो भी इसे बहुत ही परफेक्टली बना सकते हैं। चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो सबसे पहले बोल में हम डालते हैं दही। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप दही लिया है, साथ ही में 1 कप चीनी भी डाल देते हैं। और चीनी और दही को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक विस्क करेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से घुल ना जाए और ये मिक्सचर स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। तो चीनी डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप तेल लिया है, 100 ml तेल है, और तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना है, नहीं तो केक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और तेल को भी दही के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा भी डालते हैं और दोनों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को दही के साथ मिक्स करेंगे वैसे ही सोडा दही के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा फ्रॉदी हो जाएगा, फूलने लगेगा। तो ये देखिए मिक्सचर में थोड़ा से बबल्स आ गए हैं और थोड़ा सा फूल गया है ये मिक्सचर। और अब इसमें हम डालते हैं मैदा। तो मैदा को डालने के लिए मैंने यहाँ पे चलनी ली है और इसमें हम डालते हैं मैदा। ये अप्रॉक्स 1.5 कप मैदा है और एक बार शिफ्ट करके मैदा डालने से केक काफ़ी लाइट बनता है, तो इसे भी हम सेम बोल में छान लेते हैं। और छानने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं बैटर काफ़ी स्मूथ है लेकिन काफ़ी थिक भी है, तो हमें थोड़ा सा इसमें दूध डालना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून दूध डाल रहे हैं और दूध डालकर हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो केक का बेस बनाते समय आप इसी समय कलर और एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी फ्लेवर का केक बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कलर एसेंस नहीं डाल रही हूँ। और ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है, इसी तरीके की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और चलिए अब इसे हम डालते हैं बेकिंग टिन में। तो यहाँ पे बैटर को स्प्रेड करने के लिए मैंने लिया है 9x12 इंच का बेकिंग टिन और साथ ही में मैंने बेकिंग पेपर भी लगा दिया है जिससे कि केक बनने के बाद इजीली बाहर आएगा। और अब हम बैटर को स्प्रेड करते हैं बेकिंग टिन में। टिन को चारों ओर रोटेट करते हुए बैटर को इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने टिन में बैटर को बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लिया है और एक बार इसे टैप कर लेते हैं। और इसे अब हम बेक करते हैं प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर रखकर 15-20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स हो गया है, अब हम ओवन को खोलते हैं और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये केक ठंडा हो गया है और इसे अब हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 2 घंटा हो गया और ये केक पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और अब हम मोल्ड को उल्टा कर देते हैं और बिल्कुल जेंटली हम केक को टिन से बाहर निकाल लेंगे। बेकिंग पेपर को भी हटाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया है और अब इसे हम राउंड कट करेंगे। तो यहाँ पे कट करने के लिए मैंने ये राउंड कटर लिया है और इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे 1 राउंड कट किया है, सेम ऐसे ही दूसरा राउंडल्स भी कट करते हैं एकदम इसके बगल से ही। तो ये देखिए मैंने सभी राउंडल्स को कट कर लिया है और पूरे शीट से 9 राउंडल्स बन के निकले हैं। और चलिए अब हम क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। तो आइसिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हिप क्रीम, ये लगभग 200 ml है और इसे अब हम बीट कर लेते हैं। क्रीम को परफेक्टली कैसे बीट करना है, कौन सी क्रीम यूज करना है, इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्रीम को सॉफ्ट पीक्स आने तक बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं कलर और एसेंस। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड येलो फूड कलर लिया है, ये 1-2 ड्रॉप डालते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं 1-2 ड्रॉप मैंगो एसेंस की। मैंगो एसेंस इजिली अवेलेबल है और फिर से इसे हम अच्छे से स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्रीम को परफेक्टली बीट कर लिया है, स्टिफ पीक्स आ गए हैं और अब इस क्रीम को हम भरते हैं पाइपिंग बैग में। तो डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर केक बेस लिया है, ये छोटा केक बेस है और अब हम 1 स्लाइस रखते हैं केक की और अब हम इस बेस के ऊपर स्प्रेड करते हैं मैंगो क्रश। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो अगर आपके पास मैंगो एसेंस नहीं है तो क्रीम में आप मैंगो क्रश डालकर भी बना सकते हैं।
तो क्रश को थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है और अब हम लेते हैं कटर। तो मैंने सेम वही कटर लिया है जिससे मैंने कट किया था और इसे हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। कटर को इस तरीके से अरेंज करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं क्रीम। तो क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और चारों ओर इवनली हम स्प्रेड करेंगे। और अब हम फिर से लगाते हैं सेकेंड लेयर। तो अभी हमें यहाँ पे कटर को हटाना नहीं है, सेकेंड लेयर लगाकर अच्छे से प्रेस करना है। हम थोड़ा सा कटर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं क्योंकि कटर का जो हाइट है वो कम है, तो ऊपर की तरफ करने से आप यहाँ पे क्रीम फिल कर सकते हैं। फिर से हम थोड़ा सा क्रश लगाते हैं और स्प्रेड करते हैं क्रीम। तो सेकेंड लेयर के ऊपर भी क्रीम स्प्रेड कर लिया है और अब हम लेते हैं स्पून जिससे हम इसे बिल्कुल इवनली कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ पाइपिंग बैग से स्प्रेड करके भी छोड़ सकते हैं। तो क्रीम को लेवल करने के बाद अब हम लेते हैं थर्ड लेयर। थर्ड लेयर के ऊपर भी थोड़ा सा मैंगो क्रश अप्लाई करते हैं। कटर को अब इस समय बिल्कुल जेंटली निकाल लेते हैं बाहर और अब हम टॉप पार्ट में फिर से स्प्रेड करते हैं व्हिप क्रीम। और ये मेरे पास छोटा स्पैचुला है, इससे हम इस तरीके से लेवल कर लेंगे। टॉप को हल्का स्मूथ करने के बाद अब हम साइड में भी क्रीम लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके हम साइड में क्रीम लगा के पूरे केक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं देनी है, सिंपली हम बहुत ही पतले लेयर क्रीम से हम केक को कवर करेंगे। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान है इस केक को बनाना क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिनिशिंग नहीं देनी है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे मैं इस तरीके से सॉफ्ट स्क्रैपर से रिमूव कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पून से भी लेवल कर सकते हैं। तो टॉप और साइड में क्रीम को बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब हम फाइनल डेकोरेशन के लिए लेते हैं जेल। तो अब फाइनल डेकोरेशन के लिए हमें ग्लेज पोर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है न्यूट्रल ग्लेज, ये कोर ग्लेज के नाम से भी मिलता है। ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जेली की तरह होता है। ये आप देख रहे हैं अभी बहुत गाढ़ा है, तो इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून पानी। इसमें पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी डालकर इसे इस तरीके से पतला कर लिया है, इस तरीके से ही होना चाहिए फ्लोई। और अब इसमें हम डालते हैं कलर और एसेंस। तो हम 2-3 ड्रॉप येलो कलर की डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने लिक्विड फूड कलर ही लिया है, तो 1-2 ड्रॉप एसेंस की डालते हैं। तो आप जो भी फ्लेवर बना रहे हैं उसका एसेंस यूज़ कर सकते हैं और कलर और एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे इमल्शन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी कलर और एसेंस मिक्स होता है। तो ये हमारा ग्लेज रेडी है, इसे हम केक के ऊपर पोर करेंगे। तो ग्लेज को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और इस तरीके से सबसे पहले एजेस में पोर करेंगे जिससे कि ड्रिपिंग इफेक्ट आएगा और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो साइड में चारों ओर ग्लेज स्प्रेड कर लिया है और अब हम बीच में भी अच्छे से ग्लेज को स्प्रेड कर लेते हैं। तो टॉप को पूरा कवर करने के लिए मैंने स्पैचुला लिया है और बहुत ही लाइट हैंड से हम इस तरीके से ग्लेज को चारों ओर स्प्रेड करेंगे। तो ग्लेज को स्प्रेड कर लिया है और साइड में ड्रिपिंग भी बन गई है और अब हम टॉप पार्ट में थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं। सिंपली हम इसी तरीके से करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनानी है और ना ही मैंने यहाँ पे कोई नॉजल्स यूज़ किया है। सिर्फ पाइपिंग बैग से इस तरीके से करने के बाद अब ऊपर से हम डालते हैं थोड़े से आम के पीसेस जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। और थोड़े से पिस्ता हम स्प्रिंकल कर देते हैं और पुदीना पत्ता से गार्निश करके इस केक को हम सर्व कर सकते हैं। तो बन गया है बहुत ही सुंदर मैंगो केक जिसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए और इसे आप फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर गिफ्ट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।